सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है अबाउट द बेसिक ग्रूमिंग टूल एंड इक्विपमेंट्स यू नीड। गाइस, कई बॉयज ऐसे होते हैं जो कि अपनी ग्रूमिंग के लिए पूरी तरह से सैलून पे डिपेंडेंट रहता, मतलब पूरी ही तरह से। और जब आ जाती है लॉकडाउन जैसी कोई क्रिटिकल सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन, तो वो जो है अपने आप को ग्रूम नहीं कर पाते और उनका हाल कुछ ऐसा हो जाता है। तो ब्रोज, आज की वीडियो में हम लोग यही सब जानेंगे। आज की इस वीडियो से आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि ये फलाना ढमकाना चीज़ें जो है मेरे पास, बेसिक चीज़ें जो है ग्रूमिंग के लिए अपने पास होनी ही चाहिए। इससे क्या होगा कि कोई भी इमरजेंसी एंड क्रिटिकल सिचुएशन में या किसी जल्दी में आप अपने आप को जो है ग्रूम कर पाओगे। आपको पूरी तरह से सैलून पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, मतलब आपका काम चल जाएगा। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो ग्रूमिंग टिप्स क्या क्या है। सो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को जो है जितना हो सके उतना बजट फ्रेंडली रखने की कोशिश की है। फालतू चीज़ों को मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि भाई हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग को उसी हिसाब से चलना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर वन टूल से, वो है अपना एक अच्छा सीजर। आपके पास मीडियम साइज का सीजर, स्मॉल साइज का सीजर, कोई भी सीजर हो, आपके पास एक सीजर होनी चाहिए। मेरे पास थोड़ी सी बड़ी सीजर है, इससे मैं बाल कटवाता हूँ अपने भाई से। तो आप कोई भी साइज की सीजर रख सकते हो गाइस। हाँ, यहाँ पे ऐड कर सकता था अपनी लिस्ट में इलेक्ट्रिक ब्रश, नोज ट्रिमर, ये वो फलाना ढमकाना, बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकता था। लेकिन गाइस, मेरे को नहीं लगता कि वो चीज़ें उतनी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, किसी के पास अगर ज़्यादा पैसा है तो वो उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकता है, नोज ट्रिमर ले सकता है, वो बाकी सारी चीज़ें ले सकता है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं भाई, हम लोग को सोचना पड़ता है। हम लोग को 2000 रुपये एक साथ कहीं खर्च करने के लिए भी सोचना पड़ता है, 2000 के 1000 रुपये भी कहीं एक साथ खर्च करने के लिए सोचना पड़ता है। तो गाइज, आप जो है सीजर से भी अपने फेशियल हेयर्स को जो है अच्छे से मैनेज कर सकते हो। आप अपने आईब्रोज, अपनी बियर्ड और अपने जो भी नाक कान के बाल हैं उनको काट ही सकते हो यार। तो इससे आपका काम चल सकता है अगर आपका बजट कम है। तो कम बजट में एक बहुत ही अच्छा टूल है मेंस ग्रूमिंग के लिए। और हाँ, आपका बजट थोड़ा अच्छा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 1000-1500 रुपये, तो आपको एक अच्छे ट्रिमर की ज़रूरत है। ट्रिमर भी जो है आजकल बियर्ड का ट्रेंड कितना चल रहा है, बियर्ड का पागलपन कितना है, आप लोगों को पता ही है। तो आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग बियर्ड के शौकीन होंगे। तो आप जो है बियर्ड रखने के शौकीन हो या आपका बजट अच्छा है, तो आप एक ट्रिमर में इन्वेस्ट कर सकते हो। वो जो है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है मेरे हिसाब से। और नोज ट्रिमर, ये फलाना ढमकाना, ये इलेक्ट्रिक ब्रश, ये सब चीज़ें मैं नहीं समझता कि उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक अच्छे ट्रिमर में इन्वेस्ट करो, उससे आप अपने आईब्रोज को भी शेप में ला सकते हो, अपनी बियर्ड को सेट कर सकते हो। और कई लोग तो बालों में भी खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप एक ट्रिमर में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपका बजट इतना नहीं है, जैसा कि मेरा बजट टाइट चलता है, तो आपको सीजर में इन्वेस्ट करना चाहिए। 100-150 रुपये की आती है, आपका काम अच्छे से चला देगी। तो भाई लोग, नंबर टू का ग्रूमिंग टूल है एक नेल कटर। अब आप लोग बोलोगे कि क्या भाई, ये क्या मजाक है, हम लोग को नाखून काटना तो अच्छे से आता है, कोई ढंग की चीज बता, यही है तेरे नंबर टू का ग्रूमिंग टूल? तो मैं उन लोग को ये बोलना चाहता हूँ कि हाँ भाई, यही है मेरे नंबर टू का ग्रूमिंग टूल। गाइज, ये चीज जो है इतनी कॉमन है नेल कटर जो है, कि लोग इसको बहुत ही लाइटली, मतलब बहुत ही हल्के में ले लेते हैं और अपने पास नहीं रखते। और जब कभी भी कोई स्पेशल ओकेजन आता है, कोई स्पेशल इवेंट उनको अटेंड करना होता है, तो वो नाखून तो उनके बड़े हुए होते हैं, नाखून काटने पे भी उतना ध्यान नहीं देते लोग, नाखून उनके बड़े हुए होते हैं, तो फिर अड़ोसियों पड़ोसियों के पास पूछते हुए फिरते हैं यार। जैसे कि गीता आंटी, आपके पास नेल कटर है क्या? शर्मा अंकल, आपके पास नेल कटर है क्या? मिल गया तो ठीक, नहीं तो उनके लुक की जयराम जी की, वो वैसे ही बड़े हुए नाखून, बड़े हुए गंदे नाखूनों के साथ उस इवेंट में चले जाते हैं। तो भाई लोग, 30-40 रुपए के लिए इतनी भी क्या कंजूस है यार। आप लोग तो लड़कियों के पीछे उतना पेट्रोल जला देते होगे, मतलब 10 मिनट में उतना पेट्रोल जल जाता होगा लड़कियों की स्कूटी का पीछा करने में। तो भाई लोग, 30-40 रुपए के लिए इतना भी क्या सोचना। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे गंदे नाखून और साफ नाखून दोनों ही जो है ना, वो लोगों के, खास करके लड़कियों के नोटिस में बहुत जल्दी आते हैं। तो गंदे नाखूनों से वो आपसे दूर जाएंगे, और अच्छे नाखून हो तो पास तो नहीं आएंगे, लेकिन आपका खराब इंप्रेशन भी नहीं पड़ेगा। तो भाई, अपने नाखूनों को साफ सुथरा रखो ना भाई, उसी हाथ से तो आप खाना खा रहे हो, वो गंदे नाखून की गंदगी आपके मुंह में भी जा रही है, तो बीमारियां भी हो सकती हैं और आपका
कौन सा बड़ा लॉस हो रहा है, मैंने आपको तो बता ही दिया ना। तो भाई 30-40 रुपए के लिए इतने भी क्या कंजूस आई यार। आप ऑनलाइन मंगवाओगे या चौक की शॉप से खरीदोगे मेरे को नहीं पता, लेकिन एक नेल कटर आपको खरीदना ही है। सो गाइज, नंबर 3 पे हमारा जो टूल है वो है एक हेयर ड्रायर। हाँ गाइज, आप ट्रिमर खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, कैंची से अपने बाल काटोगे, अपनी दाढ़ी बनाओगे, मेरे को नहीं पता, लेकिन आपके पास एक हेयर ड्रायर जो है होना ही चाहिए। जैसे कि मेरे पास है, मैंने अपनी 3 महीने की सेविंग से इसको खरीदा था। 1200-1300 रुपए, 1000-1500 रुपए तक का आपको अच्छा हेयर ड्रायर मिल जाएगा। गाइज, हेयर ड्रायर से क्या होता है, हम अपने बालों को अच्छे से स्टाइल कर पाते हैं। और दाढ़ी का क्या है, दाढ़ी को आप कैंची से शेप में ला सकते हो या फिर ऊपर नीचे शेव कर दो अपने अनचाहे बालों को, उससे क्या है आपकी बियर्ड शेप में आ जाएगी। और लेकिन जो है हेयर स्टाइल को बनाने के लिए तो हमें अच्छा इक्विपमेंट चाहिए ही चाहिए, और बिना ड्रायर के जो है अच्छा हेयर स्टाइल अचीव कर पाना और उसको मेंटेन कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो भाई मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि एक अच्छा हेयर ड्रायर आप ले ही लो, क्योंकि गाइज अगर आपके बाल मोटे हैं या ऋषि मुनि साधुओं जैसे आपके बाल हैं लंबे वाले, तो आपको उतनी ज़्यादा इस इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे जैसे पतले बालों के मालिक हो, आपके बाल मेरे जैसे पतले हैं, तो आपको जो है एक अच्छा हेयर स्टाइल बनाने के लिए इस इक्विपमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अ हेयर ड्रायर इज़ अ मस्ट 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 थिंग फॉर यू। तो भाई लोग एक अच्छा हेयर ड्रायर ले लो, इससे क्या होगा आपका हेयर स्टाइल और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा यार, आप पहले से और अच्छे दिखोगे और क्या। सो गो फॉर अ गुड हेयर ड्रायर डूड्स। तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो में मैंने आपको उन 3 ग्रूमिंग टूल्स के बारे में बता दिया जो कि एक लड़के के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैंने इसमें फालतू चीज़ों को ऐड नहीं किया गाइज, और आपको लगता है कि कोई और चीज़ भी हमारी ऑडियंस के काम आ सकती है तो कॉमेंट्स में लिखना ज़रूर, क्या बोल रहा था यार, कमेंट्स में लिखना मत भूलना। अचानक से ये डकार कहां से आ रही है। तो गाइस कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरे को भी पता चल पाए, हमारी बाकी ऑडियंस को भी पता चले, उनको भी फायदा हो। वीडियो से रिलेटेड आपका जो भी फीडबैक है इस वीडियो से रिलेटेड, उसको भी कमेंट्स में लिखना मत भूलना। वीडियो पसंद आई नहीं आई, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मैं कुछ भूल गया, ये वो सब कुछ। तो भाई लोग इतना ही था आज की वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आपको पसंद आए तो करो, नहीं तो आपकी इच्छा है, लेकिन कंटेंट पसंद आया तो जरूर करना गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बी स्टाइलिश बी कूल डूड्स।